ये कहानी 21 साल पुरानी है, मतलब ठीक आज से 21 साल पहले इस यात्रा का आयोजन किया गया होगा और आज ठीक 21 वर्षों बाद आज के दिन ये यात्रा की जा रही है और ये हमारे टेंटोड़ा गांव में हो रही है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण ब्लॉक में हमारा प्यारा सा गांव है टेंटोड़ा, जहां पर ये 21 वर्षों बाद इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस यात्रा का नाम काल भैरव जात यात्रा है। और दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हो ये ढोल दमे बज रहे हैं, जिससे देवता का आह्वान किया जाता है और जिससे देवता को नचाया जाता है। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे ही एक साधारण इंसान में देवता आ जाता है, चंद सेकंड में एक साधारण इंसान में इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है। दोस्तों, कहानी इन दो निशानों की है, कैसे इन निशानों में एक अद्भुत सी शक्ति है, ये अपने आप ही चली जाती है और खींची चली जाती है भाई कैसे। और सुनने में तो ये आया है कि जहाँ जहाँ गांव में इनकी ध्यानियाँ होंगी वहाँ वहाँ निशान अपने आप चले जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी और ये सीरीज़ बहुत ही खास होने वाली है और मेरे लिए तो बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाली है, क्योंकि मैं पहली बार कुछ ऐसे सीरीज से जुड़ रहा हूँ। मैं आप निशानों को देख ही सकता हूँ कि कैसे ये अपनी शक्ति से इधर उधर हिल रहे हैं और कैसे एक साधारण इंसान में देवता आ जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत से करीब से देखा है, तो पूरी सी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है और पूरी इंटरेस्टिंग सी सीरीज मैंने इसमें कवर किया है। तो मिलते हैं आपको सीधा वीडियो में। तो कभी कभी भगवान भी मिला देता है, तो वही चीज़ है कि गॉड में इतनी पावर है कि सबको एक साथ इकट्ठा करके सबको पहली लिफ्ट मिल चुकी है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, पैदल चल रहा है। तुम आदर साहब ऐसे नमस्ते, वो कम होने के पूछे अच्छी हो ना। और दोस्तों, इस सीरीज में एक खास बात है, जब भी किसी देवता और किसी भगवान के मंदिर जाओ तो लोग अपने आप रास्ता बता देते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एक खूबसूरत सा गांव टेंटोड़ा का है, कितना ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, भी घर घर से गुजर रहा हूँ मैं गांव से। नमस्कार जी, नमस्कार बड़े जी, एक मतलब सामने चलो। तो दोस्तों, ठीक हमारे सामने शायद वहाँ पर हो जी। नमस्ते, और बढ़िया दोस्तों। सबसे पहले टेंटोड़ा गांव का ये देखो, अभी चेक करो मंगेरा। नमस्ते, पहुँची कख में, ये क्यों मावे की सीधा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जहां पर जो यात्रा निकलने वाली है। और ये हैं हमारे बड़े भाई जी, जिन्होंने हमें पर्सनली हमें इनवाइट किया था इस यात्रा के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। और एक खूबसूरत सा गांव टेंटोड़ा का, और टेंटोड़ा के सामने खूबसूरत से पहाड़ और खूबसूरत से वादियां दिख रही हैं, और एक खूबसूरत सा घर हमारे बीरू भाई जी का है, जहाँ पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है निशान जो कि अभी रेडी किया जा रहा है। तो ये अपनी संस्कृति है, तो अपना कल्चर है हमारा। दोस्तों, स्वागत है आपकी इस नई सी जर्नी और नई सी सीरीज में, और मैं हूं इस समय टेंटोड़ा गांव में। दोस्तों, आज ये सीरीज एक्चुअली बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि हम लोग इस सीरीज को कवर कर पा रहे हैं, स्पेशली
हमें आमंत्रित किया गया और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई हमें निमंत्रण देता है ना। तो एक्चुअली हमें तो पहले से ये एक वो था कि यार मैं मुझे कब ऐसा कुछ धार्मिक स्पिरिचुअल कुछ सीरीज कवर करने का मौका मिले और हम उसमें जाएं। और ये इससे ज़्यादा भी खास है क्योंकि ना ये ना कई गाँव से होते हुए जाएगी, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर गाँव है ना लगभग लगभग जहाँ जहाँ देवता जाएगा, जहाँ जहाँ न्योता गया होगा, जहाँ जहाँ इनकी ध्यानें रही होंगी तो वहाँ वहाँ ये देवता जाएगा। बाकी ये मेरे पीछे आप ढोल दमे की साउंड सुन लेंगे बैकग्राउंड में, वो भी आपको मैं उसकी भी स्टोरी और उसको भी कहानी बताऊंगा। बट अभी मैं टेंटुला गांव में और एक खूबसूरत सा व्यू टेंटुला गांव का, और आपका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है दोस्तों। और ये गांव है टेंटुला का, टेंटुला से सामने का व्यू दिखाई दे रहा है कोट का। बाकी ये है ये घर है जहाँ पर यहाँ से जो स्टार्ट होगा यात्रा।
Come on.
Yeah.
ये तो चक्कू तो बाद माँ पे दांत लगे हुए थे काटे जहाँ माँ का डॉ पहाड़ा दी अब तब वो टूटी अच्छा तो अभी बनने जा रहे प्रसाद तो ये सबको बटेगा जी सबको बटेगा जितने भी यहाँ पर हमारे भक्तजन है सारे के सारे अब भीड़ देख सकते हो पूरा ना ऊपर वहाँ भी देख सकते हो तुम और वहाँ भी बढ़िया कितनी एनर्जी होती ना वो कितने दूर दूर आज तो पहला दिन स्टार्टिंग है इस तारीख तो बहुत बड़ी यात्रा नंद भाई की चैनल ज़्यादा जुड़े तो दोस्तों ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली और बहुत यादगार होने वाली हमारे लिए और अभी मैं टैटुला में हूँ और ये टैटुला का खूबसूरत सा गांव मेरे पीछे देख रहा हूँ और पूरी जनता देख रहा हूँ पूरे टैटुला गांव की और बस एक यादगार लम्हा एक यादगार पिक्चर हम कैद करने वाले और देखो इस सीरीज़ के दौरान ना हमें सबसे बेहतरीन पिक्चर मिलने वाली है जो हमारे कल्चर से जुड़ने वाली है मतलब इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं और बहुत सारा कुछ आपको दिखाना बाकी है बट अभी ना हम उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड जिसे हम कहते हैं और यहाँ पर कल्चर का और बहुत कुछ है भाई बहुत कुछ देखने को है उसमें से हमें एक बहुत प्यारी सी पिक्चर मिलने वाली है बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलने वाली हैं जो अपने कल्चर से जुड़ने वाली होती है मेरी फैमिली तो हर चीज़ हमें हर लम्हा हमारा खास है ज़िंदगी का हर मोमेंट खास है और बहुत ही अच्छा अवसर मिला हमें यहाँ पर आने का टैटुला में और अपने कल्चर से जुड़ने का और मैं बहुत टाइम से देख रहा था कुछ ना कुछ हो बट वो फाइनली हुआ बाकी मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत क्लोज से अब देख रहा हूँ ज़िंदगी में ये चीज़ देवता को कैसे आता है क्या चीज़ है बाकी मैं अपनी स्टोरी में आपको बताता रहूँगा जब भी ये कहानी निकलेगी और मैं सोचता हूँ कि डे बाय डे मैं इसको निकालता रहूँ बाकी ये खूबसूरत सा गांव आप टैटुला का देख सकते हो पूरी जनता देख सकते हो टैटुला के भाई क्या ही कह सकते हैं ना ज़िंदगी में बहुत कम चांस मिलता है एक साथ आने का तो कभी कभी भगवान भी मिला देता है तो वही चीज़ है कि गॉड में इतनी पावर है कि सबको एक साथ इकट्ठा करके सबको आज तक कभी ऐसा कभी नहीं होता होगा जैसे अब कभी कभी मेले में हो जाता होगा बट इसमें ना जब भी भगवान का दरबार लगता है कब भी कुछ होता है देवते वाली कुछ बात आती है तो वहाँ पर सारे लोग झुक जाते हैं और सारे लोगों को आना पड़ता है अच्छा लगता है सबको बाकी यहाँ पर आप सामने देख सकते हो सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं जो भी लोग इस यात्रा से जुड़े व्यक्ति हैं जो भी ये काम करा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका बाकी ये भीड़ और इस साइड बाकी यहाँ देख सकते हो ये प्रसाद कट रहा है और सबको बटेगा जितने भी यहाँ पर हमारे भक्त जाने तो दोस्तों मुझे बेसिकली पहली बार पता लग रहा है कि इसका नाम क्या है बताओ भाई इसका नाम क्या है बताओ बताओ इसका नाम तुम बताओ तुम बताओ नहीं ना मुख बिटाओ सुबह से जो नीना होगा तो मुहा हो करके उसका वो हो जाएगा अच्छा 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 मुख बिटाओ तो इसे बेसिकली मुख बिटाओ कहते हैं गढ़वाली भाषा में बाकी प्रसादा प्रसाद लोग बोलते हैं रोट महाप्रसाद केले फल फ्रूट जो भी जितने किस्म के फल फ्रूट है सभी इसमें मिक्स किया जाता है और साथ ही हलवा बना हुआ है उसको मिक्स करके मुख बिटाओ ना मुख बिटाओ तो उसका जो जब सब चीज़ें पूछ के फिर इसका नाम है मुख बिटाओ जो फाइनली हमारा बन गया यूट्यूबर मैं
तो दोस्तों ये सुंदर सा गांव था टेंटुड़ा का और ये सुंदर से लोग हैं टेंटुड़ा गांव के, जहां पर सभी लोग प्रसादा ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो ये यात्रा हमने कवर की है। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, तो हमने जिस सीरीज में यही किया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक आगे नई सी जर्नी में। भाई तो सभी कह रहे हैं अब मेरे घर आजा खाना खाने के लिए, तो सबका प्यार है भाई, ये और कुछ नहीं है। बाकी मैं फटाफट शूज वगैरह पहनता हूँ, मुझे लगता है कि आज मुझे हाँ भाई साहब हाँ एक 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 चलो फिर हाँ हाँ ना मैं अपू है कोनी चौबस बढ़िया आप लोग और इस वक्त हम बीरू भाई जी के घर में और ये सामने हमारे बीरू भाई जी हैं जो हमारे लिए खाना लेके आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा लंच करवाया। और बीरू भाई जी कह रहे थे कि अपना घर समझ के खाओ, तो भैया हमने बढ़िया सा खाना खाया और एक यादगार लम्हा कैद किया। फिर बढ़िया से हाथ धो धो के हम निकल चुके थे ऊपर छत में चाय पीने के लिए। तो दोस्तों इसमें पी जा रही दिन में चाय, मतलब पहाड़ी है तो भैया चाय तो बेशक बनती है हम लोगों की। बाकी भाई साहब मुझे ना पता हर जगह ना ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेज जाओ और वहीं रह लो। अब यहाँ के ऐसा लग रहा है कि ये भाई यहीं घर बना लो। मैं देख रहा हूँ भाई साहब ऐसा व्यू है ना कसम से टेटोला से सामने का इस साइड का। इस समय मैं बीरू भाई जी के घर में हूँ और यहाँ पर अभी बढ़िया सा लंच किया है। भाई जी ने बहुत सारा अच्छा वेलकम करके खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगता है जब इतना सारा प्यार मिलता है। और देखो इस सीरीज में बहुत अच्छा प्यार मिलने वाला है, बाकी सभी अच्छे अच्छे लोग हैं जर्नी में। यार मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना अपने अपनी लाइफ में कि ऐसा यार पता नहीं कब कैसा ऐसा हो जाता है सीरीज़ में, मैं बड़ा इमोशनल रहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा कहते हैं ना, रिस्पेक्ट से बात करता है, बहुत अच्छा कुछ करते हैं। बाकी बीरू भाई का घर ये है सामने जो अभी पूरा घर देख रहे हो, ये बीरू भाई का घर है और सामने नीचे मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको जैसे वीडियोज़ में बता ही रहा हूँ, बाकी बीरू भाई से मिलाऊंगा मैं आपको। बाकी मैंने अभी लंच किया थोड़ी देर पहले और अभी जस्ट हम बाहर आ गए और बढ़िया से इधर मौसम बैठ रखा हूँ, पीछे पीछे व्यू चेक कर सकते हो भाई। मेरा मन पता क्या हो रहा है, मेरा मन हो रहा है ना कहीं ना उस साइड में एक छोटा सा घर हो, एक ड्रीम हाउस छोटा सा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या सीरीज़ में खास है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं और जैसा मैं आपको स्टोरी में बताते रहूँगा। बाकी मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियोज़ में, मिलते हैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं चलता हूँ अपने घर की ओर, बाकी इस वीडियो को एडिट करके आज ही डाल देता हूँ, अच्छा रहेगा ना कि आज ही का वीडियो आज ही एडिट कर दिया। तो चलो मिलते हैं। तुम कितने पढ़ते हो? मैं आंगनवाड़ी। ओहो और तुम? आंगनवाड़ी। दोनों आंगनवाड़ी पढ़ते हो?